गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम कॉन्वर्सेशन में यूज़ ऑफ कैन क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ कैन। कैन का यूज़ वैसे तो आप ट्रांसलेशन में ऑलरेडी सीख चुके हैं। कैन हमको क्या चीज़ डिनोट्स करता है, कैन हमें क्या दिखाता है। कैन हमें दिखाता है किसी की क्षमता, किसी की काबिलियत, या फिर किसी को कोई आदेश दिया जा रहा है कि ये काम कर दो। ठीक है, तो कैन हमको क्या दिखाता है, या तो वह दिखाता है किसी की क्षमता कि किसी के अंदर कोई भी काम करने की कितनी क्षमता या काबिलियत है, या फिर हमें कोई परमिशन देता है कि आप ऐसा काम कर सकते हैं। चलिए इसको हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं, बट इन अ डिफरेंट वे। कैन को हम सेंटेंसेस में ऑलरेडी ट्रांसलेशन में सीख चुके हैं, तो कॉन्वर्सेशन में आज हम सीखेंगे कि कैन से हम क्वेश्चंस को कैसे पूछ सकते हैं। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, शी कैन कुक द फूड। यहाँ पर ये बताया जा रहा है एक पर्टिकुलर लड़की को, लड़की के लिए, कि उस लड़की के अंदर इतनी क्षमता है, इतनी काबिलियत है कि वह खाना पका सकती है, राइट। बट इन द सेकेंड वन विच इज़ अ क्वेश्चन, इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, कैन शी कुक द फूड, इसमें ये पूछा जा रहा है क्या उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वह खाना बना सकती है, पका सकती है। मैंने आपको पहले भी ग्रामर में बताया है, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल वर्ब्स होते हैं, अगर उनको हम क्वेश्चन वर्ड की जगह रख दें, मतलब उनसे हम क्वेश्चन बना दें, जैसे कि यहाँ पर बनाया हुआ है, कैन को हमने स्टार्टिंग में रख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन शी कुक द फूड क्या। तो इसका आंसर हमेशा येस और नो में आता है अगर कोई भी क्वेश्चन हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है क्या से, तो मतलब कैन से। कैन शी कुक द फूड, इसका मतलब क्या है कि क्या वह खाना पका सकती है, उसको खाना पकाना आता है क्या। इसका आंसर क्या होगा, या तो येस होगा या नो होगा। येस शी कैन कुक द फूड, और नो शी कैन नॉट कुक द फूड। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि उसको खाना, वो खाना बना सकती है, या फिर क्या उसको खाना बनाना आता है। अब हम देखते हैं सेकंड सेंटेंस। द सेकंड वन इज ही कैन प्ले विद मी। अभी ये हमने जो लास्ट सेंटेंस देखा वो देखा था एबिलिटी के बारे में, अब ये आ गया हमारा परमिशन के बारे में, कि हम, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को परमिशन दे रहा हूँ कि वह मेरे साथ खेल सकता है। ही कैन प्ले विद मी, वह मेरे साथ खेल सकता है। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या वह मेरे साथ खेल सकता है, क्या उसके पास फ्री टाइम है कि वो मेरे साथ खेल ले। तो इस सेंटेंस में हमसे क्या पूछा जा रहा है, पहले वाले में ये बोला जा रहा है कि मैं उसको परमिट कर रहा हूँ कि येस ही कैन प्ले विद मी, और कैन ही प्ले विद मी, क्या उसके पास टाइम है इतना फ्री कि वह मेरे साथ खेल सके। तो इन द सेंस हम ये ले सकते हैं कि जो ये सेंटेंस है वो इस नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, हमने आंसर पहले ही पूछ लिया है या पहले ही सीख लिया है, आज हम सीख रहे हैं क्वेश्चंस को फ्रेम करना। ठीक है, कैन ही प्ले विद मी, क्या वह मेरे साथ खेल सकता है, तो आंसर इसका येस होगा या नो होगा। क्यों, क्योंकि कैन जो है वो हमारा मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब को जब हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं क्वेश्चन के, तो आंसर हमेशा येस या नो में ही आता है। थर्ड सेंटेंस क्या है, ही कैन क्लीन द रूम। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग रूम में बैठे हुए हैं और आपके भाई या कोई और कुछ कोई भी आया और वो कहता है कि मुझे कमरा साफ करना है, और आप क्या कहते हो, तो अभी आप रुक जाओ, मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ या सो रहा हूँ, कुछ भी की, तो अभी आप कमरा मत साफ करो। लेकिन जब आप उस पर्टिकुलर काम को करके फ्री हो जाते हो, तब आप क्या कहोगे, येस ही कैन क्लीन द रूम, अब उसको रूम को साफ करने की परमिशन है। और यहाँ पर नीचे अगर क्वेश्चन फॉर्म में पूछेंगे तो उल्टा हो जाएगा, कैन ही क्लीन द रूम, क्या वह कमरे को साफ कर सकता है। जैसे कि आपकी मम्मी आपके भाई से बोले, कैन यू क्लीन द रूम, क्या तुम कमरे को साफ कर सकते हो अभी कि नहीं, है ना। तो कैन ही क्लीन द रूम, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक पर्टिकुलर लड़के से, या उस लड़के के बारे में ये बोला जा रहा है, कैन ही क्लीन द रूम, क्या वह लड़का या वह कमरे को साफ कर सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, यू कैन स्टॉप फाइटिंग। दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो तीसरा व्यक्ति क्या बोलेगा,
यू कैन स्टॉप फाइटिंग, अब तुम लोग लड़ना बंद कर दो, बहुत देर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप लोग लड़ना बंद कर सकते हो, भाई बहुत देर हो गई आप लोगों को लड़ते लड़ते, अब इस टॉपिक को ख़त्म करो। और नीचे अगर हम क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस को कन्वर्ट कर दें, कैन यू स्टॉप फाइटिंग, क्या तुम लोग लड़ना बंद कर सकते हो, मतलब आप और आपका भाई सपोज करो लड़ाई कर रहे हैं, मम्मी परेशान होकर क्या बोलेंगी, भाई बस करो लड़ना बहुत देर हो गई। तो अगर इसको इंग्लिश में मम्मी बोलेंगी तो क्या बोलेंगी, कैन यू स्टॉप फाइटिंग, इट्स इनफ, बहुत देर हो गई अब लड़ाई करना बंद कर दो। अगला सेंटेंस क्या है, यू कैन स्टार्ट ईटिंग, अब तुम खाना खा सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है हम किसी पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर सिटिंग सिस्टम का खाना होता है, मतलब आप लोग बैठ जाते हैं आराम से। जनरली क्या होता है कि बफे सिस्टम होता है, हम प्लेट हाथ में ले लेते हैं और सारे स्टॉल्स पर जाके अपने हिसाब से अपनी प्लेट में कोई भी डिश रख सकते हैं। बट सर्टेन प्लेसेस पर क्या होता है, आपको बैठा कर आराम से खाना खिलाया जाता है और कई सारे लोग पर्टिकुलर डिशेस को सर्व करते हैं। तो जब सिटिंग सिस्टम में सारी डिशेस प्लेट में आ जाती हैं, उसके बाद ही आप लोगों से बोला जाता है अब आप लोग खाना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, यू कैन स्टार्ट ईटिंग। या फिर आप लोग स्कूल आते थे, आप लोग स्कूल के लिए भोजन मंत्र बोलते थे, फूड प्रेयर बोलते थे, फिर आप लोग टीचर से परमिशन मांगते थे, मैम मे आई स्टार्ट ईटिंग, तो व्हाट डज योर टीचर स्पोक, आपकी टीचर क्या बोलती थी कि यू कैन स्टार्ट ईटिंग, आप लोग खाना खा सकते हो। तो यही तो मतलब हुआ, यू कैन स्टार्ट ईटिंग। और अगर इसको क्वेश्चन फॉर्म में पूछे, कैन यू स्टार्ट ईटिंग, भाई अब तो बहुत देर हो गई, अब आप खाना खाना शुरू कर सकते हो क्या, व्हाट डज इट मीन, इट मीन कि आपके सामने प्लेट तो बहुत देर से रखी हुई है बट यू आर एंगेज्ड इन टॉकिंग टू समबडी एल्स, आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने में इन्वॉल्व्ड हैं और आपने बहुत देर तक अपना खाने को स्टार्ट नहीं किया, तो आपके संग जो व्यक्ति खाना खा रहा है या आपकी मदर ही मान लो, क्या बोलेंगी, कैन यू स्टार्ट ईटिंग, खाना इतनी देर से आपके आगे रखा हुआ है, क्या आप खाना खा सकते हो। सिंपल मीनिंग है ना, आगे देखते हैं। द सेम सेंटेंस रिपीट्स, यू कैन स्टॉप क्राइंग, क्या तुम रोना बंद कर सकते हो, यू कैन स्टॉप क्राइंग, मतलब रोना बंद कर दो भाई, बहुत देर से रो रहे हो। एंड इन द क्वेश्चन फॉर्म, कैन यू स्टॉप क्राइंग, क्या तुम रोना बंद कर सकते हो, यू आर इरिटेटिंग मी, तुम्हारी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, क्या तुम रोना बंद नहीं कर सकते हो। आगे चलते हैं, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, भाई आपसे कोई टीचर क्लास में पूछती है सारे बच्चों से कि एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया कि आप में से कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, तो आप अपना हाथ ऊपर रेज करके क्या बोलेंगे, मैम आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बट इन क्वेश्चन फॉर्म टीचर आपसे पूछ रही हैं किसी पर्टिकुलर बच्चे से, कैन नहीं, पर्टिकुलर बच्चा टीचर से पूछ रहा है, मैम कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, एक तो हो गया आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे आता है मैं सॉल्व कर सकता हूँ। बट क्वेश्चन फॉर्म में कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, हम पूछ रहे हैं, हम डिटर्मिन नहीं हैं, हम पक्के नहीं हैं कि हम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। और नेक्स्ट क्या है, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इसमें कुछ सेंटेंसेस आपके ब्रोशर के हैं जो आपके कोर्स में हैं और कुछ मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं, डजेंट मैटर सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, बस आपको उसका सार पता होना चाहिए कि सेंटेंस में बोला क्या जा रहा है। और कैन वाले सेंटेंसेस आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको इन्हें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर सेंटेंस लिखा है आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मतलब आप कहीं पर गए हैं और वहाँ पर लाइक अ टूर आप घूमने गए हुए हैं और वहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस या सूटकेसेस रखे हुए हैं, तो एक पर्टिकुलर बॉक्स को या सूटकेस को देखकर आप क्या बोलते हैं, मैं इस सूटकेस को उठा सकता हूँ, मतलब इतना भारी या इतना हल्का है मेरे अकॉर्डिंग कि मैं इसको ईजिली लिफ्ट कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ। अगर इसी को हम क्वेश्चन फॉर्म में पूछेंगे तो क्या कहेंगे, कैन आई लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या मैं इस वाले सूटकेस को उठा सकता हूँ, मुझे परमिशन है। तो कैन स्टार्टिंग में क्या डिनोट कर रहा है कि वो किसी भी व्यक्ति से परमिशन मांग रहा है किसी भी पर्टिकुलर काम को करने की। कैन आई लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या मैं ये बॉक्स को उठा सकता हूँ, तो आंसर या तो येस में होगा या फिर नो में होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब्स जो भी होते हैं उनको हम क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे,
तो उसके आंसर्स या तो यस में या फिर नो में ही आएंगे. द नेक्स्ट वन इज आई कैन डू दिस. मैं यह कर सकता हूँ. आई कैन डू दिस मतलब कोई पर्टिकुलर काम है, उस काम के लिए मैं बोल रही हूँ कि मैं ये काम कर सकती हूँ. और क्वेश्चन फॉर्म में कैन आई डू दिस, क्या मैं ये वाला काम कर सकती हूँ. इससे आप मम्मी से पूछते हो ना कि मम्मी क्या मैं खेल सकता हूँ, मम्मी क्या मैं ये काम कर लूँ, मम्मी क्या मैं ये वाला गेम मोबाइल में चला लूँ, राइट. तो कैन आई डू दिस, क्या मैं ये कर सकता हूँ, और आई कैन डू दिस, मैं ये काम कर सकता हूँ. दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. कैन आई डू दिस, क्या मैं ये कर सकता हूँ. आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ. क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सेंटेंस फॉर्म में एक स्टेटमेंट क्रिएट कर रहे हैं. और लास्ट सेंटेंस हमारा क्या हो सकता है, यू कैन हेल्प मी. सेंटेंसेस तो और भी हो सकते हैं बट मैंने यहाँ पे कुछ ही लिखे हैं. यू कैन हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम, नहीं सॉरी, यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो. मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम है और तुम्हारे पास वो एबिलिटी है या तुम्हारे पास वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. फॉर एन एग्जांपल, आप पेंसिल ले जाना भूल गए स्कूल, ठीक है, और आपका जो फ्रेंड है उसके पास 2 पेंसिल्स हैं, तो आप क्या कहेंगे, यू कैन हेल्प मी विद योर पेंसिल, आप अपनी पेंसिल देकर मेरी मदद कर सकते हो. इसका मतलब क्या हो गया, यू कैन हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हो. और कैन यू हेल्प मी, यहाँ पर तो आप कह रहे हो कि आप मेरी मदद कर दो, और यहाँ पर आप पूछ रहे हो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो. कैन यू हेल्प मी, आपके पास 2 पेंसिल्स हैं और क्या आप 1 पेंसिल देकर मेरी मदद कर सकते हो. इफ़ ही वॉन्ट्स टू गिव ही कैन, ही विल से यस, एंड इफ ही डज नॉट तो वो मना कर देगा कि नहीं मैं आपकी मदद नहीं कर सकता. गॉट इट. तो चलिए, ये थे हमारे सेंटेंसेस बेस्ड ऑन कैन एज अ क्वेश्चन वर्ड, यूजेज ऑफ कैन एज अ क्वेश्चन, ठीक है. तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंसेस. दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड बाय.